जेपी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी खबर 2020-23 सेशन 2020-23 के छात्रों का परीक्षा फॉर्म और परीक्षा का डेट जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, स्नातक पार्ट वन की लंबित परीक्षाओं की तैयारी में जुटा विश्वविद्यालय। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जेपी विश्वविद्यालय प्रशासन स्नातक पार्ट वन 2020-23 के लंबित परीक्षाओं के आयोजन को लेकर सक्रिय हो गया है। बताते चले कि परीक्षा आयोजन 2021 में ही आयोजित कर लेना था। यहाँ पर बता दें कि हालांकि कोरोना के कारण समय पर परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं करा पाया, इसको लेकर छात्रों में अनिश्चित, यहां पर बता दें कि माहौल काफी ज्यादा चिंतित बना हुआ था, लेकिन वहां पर छात्रों में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी में बढ़ने लगी है। यहां पर बता दें कि जितने भी विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की नाराजगी कहे या फिर कुछ और अंत, विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा आयोजन के लिए तैयारी शुरू कर दिया गया, ठीक है। इसको लेकर जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो फारूक अली ने बुधवार को UMSIS विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार शाखा के सेक्शन ऑफिसर को बुलाकर परीक्षा के आयोजन को लेकर एक विचार विमर्श किया है। इस दौरान कुलपति ने UMSIS के द्वारा, यहाँ पर बता दें आप सभी स्टूडेंट्स को, कि सभी छात्रों के रजिस्टर, जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन स्लिप को और अविलंबित कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। जेपी विश्वविद्यालय के PRO प्रो हरीश चंद्र ने बताया कि UMSIS द्वारा 5 अप्रैल के पूर्व नामांकित छात्राओं का रजिस्ट्रेशन स्लिप कार्यालय को उपलब्ध करा देना है, ठीक है, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन संबंधित कॉलेजों को रजिस्ट्रेशन स्लिप भेजकर छात्रों के बीच उसका विवरण किया जाएगा, सुनिश्चित करेगा। इसके बाद ही विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा फॉर्म भरने के साथ ही परीक्षा आयोजन की तिथि भी घोषणा करेगा। यहाँ पर बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन 2020-23 स्नातक पार्ट की परीक्षा की तिथि घोषित करने के साथ ही 2021-22 के छात्रों का भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करेगा। ये सबसे बड़ी बात है। वीडियो को आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करें, और हाँ, चैनल पर न्यू जरे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहे सबसे पहले। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि कुलपति ने किया पंजीयन शाखा का निरीक्षण, काम में तेजी लाने का निर्देश दे दिया है। कुलपति ने सभी परीक्षा निरीक्षण को यहां पर काम तेजी लाने का निर्देश दे दिया है। अप्रैल के पहले सप्ताह, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, अप्रैल के पहले सप्ताह में स्नातक 20-23 के प्रथम खंड की होगी परीक्षा। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो फारूक अली ने बुधवार को JPU के रजिस्ट्रेशन विभाग का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने स्नातक के विभिन्न सत्रों के पंजीयन कार्यों की जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि लंबित पड़े पंजीयन कार्यों का शीघ्र पूरा करना हेतु रजिस्ट्रेशन विभाग के कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिया गया है। PRO प्रो हरिश्चंद्र ने बताया कि स्नातक प्रथम खंड 2020-23 की परीक्षा 2021 में होनी थी, यह परीक्षा कोरोना के कारण निर्धारित समय पर नहीं लिया गया, जबकि अप्रैल के प्रथम सप्ताह की, जी हाँ दोस्तों, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इस परीक्षा का आयोजन हेतु तिथि जारी की जाएगी। इसके पूर्व, यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप लोगों का परीक्षा जो है डेट जारी कर दिया जाएगा, परीक्षा फॉर्म का डेट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर बता दें कि इसके पूर्व कुलपति ने अपने कार्यकाल में कक्ष में रजिस्ट्रेशन विभाग के सभी सेक्शन ऑफिसर की एक बैठक बुलाई है, जिन्होंने UMSIS द्वारा सभी पंजीयन शाखा को शीघ्र देने का निर्देश दिया है, जिससे 5 अप्रैल तक सभी महाविद्यालय को पंजीयन रसीद हस्तगत किया जा सके, जिसके बाद परीक्षाओं की तिथि घोषित किया जाएगा। PRO ने बताया कि स्नातक 2022 के रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ होगी। यह सबसे बड़ी बात है। वीडियो को अपने अपने मित्रों को शेयर करें, और चैनल पर नहीं जाना सब्सक्राइब करें, आने वाली सभी नोटिफिकेशन इसी तरह अपडेट भी अपडेट मिलता रहेगा सबसे पहले। दोस्तों, आप 2020-23 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सभी जानकारी आपको इसी तरह अपडेट भी अपडेट मिल जाएगा सबसे पहले। 2021-24 के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन जो है इसी 5 या 6 दिन में जारी कर दिया जाएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2020-23 के छात्रों का परीक्षा फॉर्म जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में, यानी 5 या 6 अप्रैल को जो है जारी कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। वीडियो को अपने अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, आने वाली सभी नोटिफिकेशन इसी तरह अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहेगा सबसे पहले। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।